देश में समय चर्चा है और चर्चा है किसकी, हमारे देश की आर्थिक स्थिति की। होना भी चाहिए क्योंकि देश रिया चक्रवर्ती और दूसरी बहसों को सुन सुन के शायद ये भूल गया है कि देश बहुत बड़े आर्थिक गढ़े में डूबता जा रहा है। मैं आर्थिक गढ़ा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि बहुत बड़ा गड्ढा है जिसमें देश समा रहा है और उस पर चर्चा शायद ना होती अगर आज प्रथम तिमाही के जीडीपी के आंकड़े सामने नहीं आते। इस पर आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इंदौर से गिरीश मालवीय जी, जो कि अर्थशास्त्र से जुड़ी खबरों के बड़े जानकार हैं, बहुत अच्छे टिप्पणीकार हैं, सोशल मीडिया से लेकर मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया के अलग अलग हिस्सों में इनके द्वारा लाई गई रिपोर्ट चर्चा का विषय होती है। गिरीश जी, tribunehindi.com में आपका स्वागत है। धन्यवाद, धन्यवाद जके भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जो आपने आज मुझे मौका दिया। गिरीश जी, आज सबसे पहले मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगा जो कि -27.9 का जो कि जो गिरावट है, मतलब आंकड़ा जो पहुंचा है -23.9 का जो जीडीपी का जो सामने आई है दर, उस पर पहली टिप्पणी आपकी क्या है, फिर उसके बाद आगे चर्चा करेंगे। पहली टिप्पणी मेरी ये है कि ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं है, एक्ट ऑफ फ्रॉड का नतीजा है। मतलब एक मैं बिल्कुल एक छोटे से सेंटेंस में अगर मैं इसको समेटना चाहूं तो मैं इसे एक्ट ऑफ फ्रॉड का नतीजा कहूंगा। जो निर्मला सीतारमन बोल रही हैं कि ये एक्ट ऑफ गॉड है, उन्हें ये चाहिए कि वो पिछले जो 8 तिमाही के जो आंकड़े आए हैं उन्हें एक बार वापस से देखें और वो समझने की कोशिश करें कि वो गिरावट जो आज नजर आ रही है -23.9 की, दरअसल वो कंटिन्यूसली हमारे जीडीपी के आंकड़ों में लगातार नजर आ रही थी, लेकिन उसको दरकिनार करते हुए सिर्फ आज वो एक्ट ऑफ गॉड का एक जुमला उछाल दिया है उन्होंने और उस पर ही सारी बात हो रही है। तो ये मेरे ख्याल से एक सबसे बड़ा मैं कहता हूं कि ये एक तरह का छलावा दिया जा रहा है जनता को कि एक सिर्फ कोरोना से एक परेशानी आई है, ये वाली एक बात है। जैसे कि आपने पहली टिप्पणी करते हुए कहा कि एक्ट ऑफ गॉड नहीं, एक्ट ऑफ फ्रॉड है, मतलब कोरोना को इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, इसका मतलब ये हुआ कि पहले से ही इमारत जर्जर थी और कोरोना ने फाइनल वार किया जिससे इमारत ढह गई। तो मुझे बताने की कोशिश करेंगे कि वो पहले कौन से ऐसे इमारत में ऐसी कौन सी चोट पड़ी थी जिससे इमारत गिरने को मजबूर हुई, एक एक करके थोड़ा सा हमें डिफाइन करें। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जहां तक मोदी जी का कार्यकाल से अगर अपन शुरू करें, 2014 से वो शुरू हुए, 2015 आया, 2016 आया, मैं नहीं समझता कि 2015 के लगभग वो कुछ गलत ट्रैक पे थे। हमारी इकोनॉमी अच्छे ट्रैक पे थी, यहां तक मैं उनको उनके मार्क्स देता हूँ कि भाई ठीक है, आप सही कर रहे थे। 2016 जो नोटबंदी, जो 8 नवंबर 2016 को जो पहला जीडीपी को या पूरी आर्थिक व्यवस्था को, देश को जो धक्का लगा, वो लगा नोटबंदी के कारण। तो नोटबंदी एक ऐसा डिसीजन था जिसने एक विख्यात अर्थशास्त्री हैं जॉ ड्रेज, उन्होंने एक बड़ा सिग्निफिकेंट उदाहरण दिया कि एक पूरी रफ्तार से चल रही है मोटरकार और आप उसके टायर में गोली मार देते हैं तो उसका नतीजा क्या होगा। एक पूरी रफ्तार से अगर मोटरकार चल रही है 100-125 की स्पीड में चल रही है और अगर हम उस पे उसके टायरों पे गोली मार दें तो जो नतीजा होना है वो आज हमें दिखा है। जो ये जो सारा संकट है नोटबंदी शुरू हुआ, नोटबंदी मतलब में जिस तरह, जी मतलब ये कि नोटबंदी में जो सर्कुलेशन रुका मार्केट के अंदर मनी का, पैसे का जो सर्कुलेशन रुका, वो एक शुरुआती और बहुत दमदार तरह का झटका था भारतीय अर्थव्यवस्था को इस मतलब आज जिस कंडीशन में हम हैं यहाँ तक आने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, वो एक मतलब एक ऐसी चोट थी जिसका कोई उससे कहीं ना मतलब आप उबर ही नहीं पाए। उसके बाद से आप अगर अर्थव्यवस्था की हालत देखते हैं, मैं देखिए क्या है, अर्थशास्त्रियों के नजरिए से
जीडीपी की बात करना या बड़े बड़े भारी भारी भरकम शब्द लिख देना वो सही नहीं है। हम सही सिर्फ ये सोचें कि 2014-15 में, 2015-16 में नवंबर तक हमारे सेविंग अकाउंट में हम कितना पैसा डाल रहे थे, और उसके बाद नोटबंदी के बाद, जीएसटी लागू होने के बाद, लॉकडाउन तक अगर आप देखेंगे तो हमारे सेविंग अकाउंट में हम कुछ भी नहीं सेव कर पा रहे थे। तो ये जो एक लंबी जो चीज समझ में आती है कि जो हमारी सेविंग खत्म होती जा रही थी, तो ये तो एक फाइनली आप कोरोना को आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे आपको हिट कर दिया इसलिए सारा उसकी वजह से हुआ, ये नहीं है। ये नोटबंदी और जीएसटी का जो एक कॉमन प्रभाव है। अब मैं उसके बाद जीएसटी पे आता हूँ कि नोटबंदी तो एक था ही था, पर जैसे कोड़ में खाज कहने वाली बात आती है कि जीएसटी उसमें कोड़ में खाज का काम किया उसने। देखिए क्या हुआ कि नोटबंदी का हम झटका हम सहन ही नहीं कर पा रहे थे, और उसके ठीक 6 महीने के अंदर आपने जीएसटी को लागू कर दिया। 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू कर दिया गया, जबकि जीएसटी का कोई तैयारी नहीं थी। ऐसा किया जा सकता था कि हम एक किसी प्रदेश में पायलट प्रोजेक्ट चला के देख लेते उस चीज का, और उसके हिसाब से हम 1 साल के अंदर 6 महीने के अंदर उसको उस तरह से हम उसको उसकी जो खामियां थी, उसकी जो हानि जो हो रही थी, जो उसके फायदे थे, सब समझ में आ जाते, हम उसके बाद उसको लागू कर देते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, हमें ये किया गया कि उसको एकदम से लागू कर दिया गया बिना मतलब सोचे विपक्ष समझे। का ये जो कहना था कि बिना तैयारी के लागू कर रहे हैं आप, शायद वो इसी तरह लोगों का कहना था कि आप एकदम से इसे लागू कर रहे हैं बिना उसके नतीजे जाने कि आपकी जो तैयारी है वो कैसी है। बिल्कुल, तो वो वही बात थी कि बिना तैयारी के लागू किया गया, राज्यों को विश्वास में नहीं लिया गया, लोगों को ये थोड़ा सा एक वो है कि सब राज्य उसके अंदर सहमति थी उसकी, जीएसटी काउंसिल बनी थी। अब मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि 2017 के अंदर जब ये जीएसटी लागू किया तो देश के 71% राज्यों के अंदर बीजेपी की सरकार थी। तो वहां पे क्या हुआ कि उन्होंने तो बीजेपी ने काम किया है तो बीजेपी का उन्होंने आगे बढ़ा दिया। लेकिन जब जैसे जैसे 2017 के बाद मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, पंजाब में, इन सब में से सरकारें जब चेंज हुई हैं, तो समझ में आया कि वहां के मुख्यमंत्रियों को कि भाई ये तो एक बहुत बड़ा गलत काम हो गया है। तो ये जो सारी व्यवस्था बिगड़ना जो शुरू हुई, नोटबंदी और जीएसटी, नोटबंदी और जीएसटी ने इस पूरी व्यवस्था को बिगाड़ दिया। और उसके आपको परिणाम 2018 के बाद से जीएसटी जीडीपी के आंकड़ों में आप लगातार देख सकते हैं, हर तिमाही में लगातार देख सकते हैं कि लगातार गिरती जा रही है। मतलब ये जो फॉल था ये रेगुलर हो रहा था, पर जब कोरोना आया तो ये एक बहुत बड़ा फॉल हमें देखने को मिला लॉकडाउन के कारण। उसके पहले भी मगर स्थिति ठीक नहीं थी, स्थिति खराब ही थी। अच्छा, बहुत खराब थी। मतलब कम खराब या इस तरह की नहीं थी। अगर आप विदेशी रेटिंग एजेंसियों को आप लगातार, अगर उनकी मैं देखता रहता हूं इसलिए मैं जानता हूं कि विदेशी रेटिंग एजेंसियां लगातार भारतीय इकोनॉमी को 2020 के अंदर नेगेटिव तो नहीं कहेंगे लेकिन काफी नीचे ले जाके दिखा रही थी। और मैंने अपनी, क्योंकि मैं लगातार लिख रहा था तो मैं इस चीज को समझ गया था, और मैंने 2020 के शुरू होने से पहले 29 दिसंबर को मुझे याद आता है मैंने लिखा था कि 2020 इकोनॉमी के डिजास्टर का साल है। तो बहुत सारे लोग, और मैंने उस पर पूरा एक 2-4 आलेख भी लिखे थे लगातार, तो लोगों को जो मेरे पढ़ने वाले हैं उन्होंने मुझे बड़ा ऑब्जेक्शन उठाया कि भाई आप ये कैसे कह सकते हैं, आप क्या एडम स्मिथ और मॉथल्स तरीके जो बड़े बड़े अर्थशास्त्री हैं, क्या उनसे भी बड़े आप सिद्धांत दे रहे हैं। तो मेरा ये कहना था कि देखिए जो जिस तरह से डाउनफॉल आता जा रहा है तो कहीं ना कहीं तो आपको वो हिट करेगा ही। और मुझे लग रहा था कि क्योंकि मैं 4-5 सालों से लगातार इकोनॉमी पे नजर रखे हुए था, तो मैं बैंकों की व्यवस्था को समझ रहा था, बैंकिंग किस तरह से ढहती जा रही है, उद्योगों को किस तरह से जो सरकारी उद्योगों को बेचा जा रहा है, तो एक पूरी जो पॉलिसी का एक मेरा विश्लेषण किया, तो मुझे लग रहा कि वो डिजास्टर का साल है। जी, जीडीपी का जो हाल आज हमने देखा, या हम यूं कहें भारतीय अर्थव्यवस्था की जो स्थिति आज हम देख रहे हैं, इसके पीछे आप
चूंकि मैं आपके लेख कई दिनों से देखता हूँ, tribunehindi.com में हम आपके लेख पब्लिश भी करते हैं, तो मैंने आपके लेखों में एक चीज बहुत दिनों से गौर किया था कि आप अक्सर बैंकों का जो मामला था उसे बहुत उस पर बहुत नजर रखे हुए थे। आपने यस बैंक के बारे में कहा था, यस बैंक के बारे बाद आपने अभी कुछ दिन पहले ही आपने बिग बाजार के बारे में कहा था कि बैंक के लोन के कारण बिग बाजार के, इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी कंपनियां थी जो बैंक लोन की वजह से डूबती हुई आपने बताई थी। ये जो बैंकों का जो लोन रहा और फिर सरकार ने इसे माफ किया जो उद्योगपतियों का, इस पूरे मामले को और फिर उसके बाद जिस तरीके से बैंकें मतलब कंपनियां दिवालिया होते चले गई, तो ये पूरा जो घटनाक्रम है क्या इसका क्या रोल रहा, मतलब इसे कुछ समझाएंगे आप कैसा रहा? मतलब मैं ये समझता हूँ कि जो भारतीय कॉरपोरेट जगत इस पूरे घटनाक्रम को बहुत पहले से वो समझ रहा था, और नोटबंदी के बाद अगर आप किसी भी सेक्टर को देखें, आप चाहे जो कोर सेक्टर कहलाते हैं उनको देख लें, जो मैन्युफैक्चरिंग के हैं, FMCG को आप देख लें, या जितने भी वो सेक्टर्स जो कॉरपोरेट जगत हैंडल कर रहे हैं आज के वक्त में, अगर वो देखें तो वो बिल्कुल जानते थे कि ये बहुत बड़ा डाउनफॉल आता जा रहा है। इससे निपटने के लिए मोदी सरकार ने क्या किया, उन्होंने एक दिवालिया कानून लेके आए और दिवालिया अदालत का जो एक पूरा सिस्टम इन्होंने खड़ा किया, वो अच्छी कोशिश थी। लेकिन क्या हुआ कि उसकी वजह से दिवालिया होने की प्रवृत्ति एकदम से उद्योगपतियों में आ गई। आपको आश्चर्य होगा ये जान के कि भारत में लॉकडाउन लगाया है 24 मार्च को, और 25 मार्च को मोदी सरकार ने घोषणा की कि हाँ अब हम दिवालिया के कोई भी केसेस नहीं लेंगे, अब हम दिवालिया घोषित करना बंद कर रहे हैं उद्योगों को, क्योंकि मोदी सरकार समझ गई थी कि ये जिस तरह से मंदी आ रही है, जिस तरह से डाउनफॉल हो रहा है और जिस तरह से आज आंकड़े आए हैं, तो ये पूरा जो उद्योग है वो लगातार अब दिवालिया होने की कंडीशन में आ जाएंगे। और उससे फायदा जो होगा, उससे जो फायदा अभी भी जो आप देख रहे हैं अडानी को, अंबानी को, वेदांता, इस तरह के जो बड़े बड़े जो टॉप के जो टॉप 10 है, टॉप 5 है, इन लोगों को सबसे ज्यादा फायदा होता है, और जो इसके बाद के जो लोग होते हैं वो पूरे पिस जाते हैं इसके अंतर्गत। तो मैं लगातार बैंकों से संबंधित चीजों को लगातार वॉच कर रहा था। यस बैंक का संकट हमने देखा, हमने रुचि सोया को किस तरह से SBI ने लोन दिया, और वो पूरे एक जो पूरा घटनाक्रम है बड़ा विचित्र घटनाक्रम है, जिस तरह तो से रामदेव बाबा ने मतलब उसे खरीद लिया है पूरा, ये पूरा जो था। जी 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 जी, बहुत सस्ते में, जैसे मान लीजिए कि 20,000 करोड़ का लोन अगर है उसके ऊपर, तो उसको मात्र 4,000 करोड़ में खरीद लिया जाता है, और वो भी उसी बैंकों से लोन लेके जिसमें उनके 20,000 करोड़ रुपए डुबोए हैं, तो वो जो मतलब लेना भी उन्हीं के पैसों से है, और आपको नाम सिर्फ चेंज हो रहा है, आपकी कंपनी का बदल रहा है। तो ये समझिए ना कि कितना बड़ा घोटाले चल रहे हैं, और ऐसा एक सिर्फ रुचि सोया की बात नहीं है। आलोक इंडस्ट्रीज में देखिए आप, आलोक इंडस्ट्रीज का मामला रिलायंस से जुड़ा हुआ है, रिलायंस ने उसको खरीदा, उसको भी आप देखें तो आपको ये सब समझ में आ जाएगा कि जिस तरह से कंपनियां अपना, अगर आप उसकी बात करते हैं, गुजरात की एक कंपनी है उसको किस तरह से खरीदा गया, जितने भी अगर आप दूसरी कंपनियों की भी बात करें, तो ये सारी मामले जो थे ये इस तरह से समझ में आ रहे थे कि ये बहुत जल्दी से कुछ परिणाम सामने आने वाले हैं, और वो परिणाम सामने आ गए हैं अब जहां तक मैं देख पा रहा हूँ। एक चीज, चूंकि जब GDP के साथ साथ चूंकि ये मामला अर्थव्यवस्था का है, तो अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी, रोजगार, ये दोनों का भी एक घटना बढ़ना लगा रहता है जिस तरीके से देखिए GDP जो है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स जिसको हम बोलते हैं, बेसिकली वो क्या चीज है उसको थोड़ा सा यहाँ पे समझना जरूरी है। एक 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 अवधि के अंदर हम लोग देश में तमाम सेवाएं जो होती हैं, जो उत्पाद होते हैं, उनके मूल्य को शामिल करते हैं GDP के अंदर, है ना। वो एक जैसे हमारे यहाँ तिमाही का कॉन्सेप्ट है, हम एक तिमाही में लेते जाते हैं। अब क्या होता है, अब अगर बोला जाए कि आपकी GDP गिर गई, मान अभी जो 23.9% गिरी है,
तो वो क्या हो रहा है, हम उसको अगर साधारण भाषा में समझने की कोशिश करें तो वो है कि हमारी जो औसत आय है वो कम हो रही है, वो डाउन जा रही है। तो यहाँ पे हो रहा है कि अगर हम लास्ट ईयर में 4.2 हमारा जो 2018-19 का जो फिगर आया है जीडीपी का, तो वो 4.2 था, ठीक है, उसके पहले 5% था या 6% था, जो भी था। तो हमारा जो ग्रोथ था, जैसे हम अगर 4% हमारा तो ग्रोथ है, तो हमारी जो मासिक कमाई है वो 400 रुपए बढ़ रही थी, समझिए आप बात को। अब जो डाउन आया है, जो माइनस आया है, उससे क्या हो रहा है कि हमारी जो आय है वो माइनस में जा रही है। हर परसेंट में, मैंने 1% में मान लीजिए कि 100 रुपए गिर रही है हमारी आय, तो यहाँ पे हमारी आय जो है मान लीजिए कि 2300 मतलब गिर गई है, अगर हम मोटा अनुमान बनाएं। वैसे ये आंकड़े जो हैं ये पूरे ईयर के देखे जाते हैं, लेकिन हम एक समझने के लिए समझते हैं कि ये हम लोग गिर, मतलब जो हमारी आय गिर गई है। अब इससे क्या हो रहा है, इस आय गिरने का अर्थ ये है कि देश में बेरोजगारी की जो समस्या है वो भयानक है, उनकी जो आमदनी है वो बहुत कम होती जा रही है, औसत आय हमारी टोटल गिर गई है। तो ये हमको समझना है कि ये जो सारा औसत आय गिरना और बेरोजगारी और जीडीपी, ये सब एक ही सिक्के के अलग अलग पहलू हैं, मतलब एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, या एक एक किसी एक कॉमन एक प्रोडक्ट के अलग अलग वेरिएंट हैं जो सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो ये कहना बड़ा सहज है कि बेरोजगारी हो गई, आपका उत्पादन हो गया, ये सारा एक जीडीपी से हम नापते हैं, और जीडीपी गिरी है इसका मतलब है कि एक तरह का क्रैश हुआ है इकोनॉमिक। ये इसी से जुड़ा एक सवाल मेरा, जो मैं बहुत देर से सोच रहा था आपसे करूं, कि निजीकरण जो हो रहा है देश में, मोदी सरकार जो शुरू से उसकी नीति रही है कि हम निजीकरण को बढ़ावा देंगे, इसका कितना रोल है देश में जीडीपी के इस गिरने पे या अर्थव्यवस्था के बिगड़ने पे? देखिए, इसका रोल ये है, जब मोदी सरकार आई थी तो आपको याद होगा उनके जो चुनावी घोषणा पत्र में एक वादा किया था कि हर साल हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि निजीकरण अगर आप कर देते हैं तो बड़े पैमाने पे छटनी प्रक्रिया सामने आती है, आप उसको छुपाना भी चाहते हैं लेकिन छुपा नहीं सकते। अगर आप देखेंगे कि 2016 में या 15 में हम लोग क्या अपने जो युवा साथी हैं उनको बोला करते थे कि आप बैंकों की तैयारी कीजिए, बैंकों में बहुत जॉब आने वाला है, हम बोलते थे। दरअसल मतलब बड़ा ये था कि भाई बैंकों में बहुत जॉब निकलने वाली है। आज क्या हम ये चीज बोलते हैं, आज क्या हम ये चीज बोलते हैं कि रेलवे में जॉब निकलने वाली है, आज क्या हम ये हमारा ये इस तरह की चीज हम सोच पाते हैं कि भाई ये सेक्टर में जॉब निकल रही है, ये सेक्टर में जॉब निकल रही है, नहीं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि निजीकरण की वजह से जो आपके कर्मचारी हैं आपने उनको भी कम कर लिया, ठीक है। निजीकरण की वजह से आपको एक मोटा पैसा तो उस वक्त के लिए मिल गया, लेकिन जिसे बोलते हैं ना कि सोना का अंडा देने वाली मुर्गी जो हर रोज एक मुर्गा अंडा दे रही थी, उसको आपने एकदम से एक जिबह कर दिया और एक उसका पेट फाड़ के आपने सारे अंडे निकाल लिए। तो निजीकरण को आप वैसे ही समझिए कि आप एक बार उसका पेट फाड़ के सारे अंडे निकाल रहे हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, आपके पास अंडे तो जमा हो जाएंगे और आपको लगेगा कि हमने तो बहुत अंडे इकट्ठे कर लिए, लेकिन जो आप हर साल एक उससे डिविडेंड मतलब उससे प्रॉफिट लेते थे, वो सारी चीजें खत्म हो जाएगी। और ये आने वाले समय के लिए जो हमारा भविष्य है, जो हमारे युवा है, वो उनका भविष्य बहुत बुरी तरह से प्रभावित होगा इन सब चीजों से। कि आप जीडीपी के जो प्रथम तिमाही के जो आंकड़े आए हैं, और इस पर इसके पहले भी जो विशेषज्ञों की जितनी भी टिप्पणियां हुई हैं, और साथ साथ हम कई दिनों से देख रहे हैं कि डॉलर के मुकाबले पैसा भी मतलब रुपया जो है वो भी गिरता जा रहा है, तो इन सारी चीजों को मिला के आप देश को किस तरह के नुकसान मतलब की तरफ जाते हुए देख रहे हैं, मतलब क्या नुकसान आपको आगे इन सब चीजों का कलेक्टिव जो एक हम कहें कि क्या देखते हैं इसका नुकसान? देखिए, आर्थिक इतिहास को अगर हम जाने तो सिर्फ एक ही घटना है ऐसी जिससे हम इसकी तुलना कर सकते हैं, जो अब होने जा रहा है, जब हो चुका है ये, दरअसल अब सामने आ रहा है, वो है 1933 का ग्रेट डिप्रेशन जो अमेरिका में सामने आया था। मेरे विचार से ये ग्रेट डिप्रेशन से भी बड़ा संकट है, और खास तौर पे भारत के लिए,
क्योंकि भारत जो है वो अभी तक जो उसकी इकोनॉमी को बचाने वाले तत्व जो हुआ करते थे उसको हमने नोटबंदी के अंदर जीएसटी के अंदर हमने गंवा दिया। 2008 में सब प्राइम संकट आया था विश्व में, लेकिन हमारी इकोनॉमी उससे बच गई थी। उसका एक ही कारण था कि हमने अपनी जो भारतीय व्यक्ति है उसमें बचत की प्रवृत्ति है एक तरह से, तो बचत की प्रवृत्ति ने उसको बचा लिया था। लेकिन नोटबंदी ने क्या किया, उस पूरी प्रवृत्ति पे इतना गहरा असर डाला कि मेरे ख्याल से बहुत लोगों के पास तो आज खाने तक के पैसे का अभाव है, जो मैं अभी देख पा रहा हूँ। तो मैं इसको मतलब मैं किसी भी चीज से तुलना करना बड़ा विचित्र लगता है मुझे, क्योंकि जो रियल कंडीशन है, जो आम आदमी की आज स्थिति है, हम भारी भरकम बातें ना करें, हम आम आदमी की स्थिति देखें, उसकी नौकरी जा रही है, उसकी नौकरी में वो जा नहीं रही है तो उसको 50% ही तनख्वाह मिल रही है, 25% ही तनख्वाह मिल रही है उसको। हॉस्पिटली सेक्टर पूरी तरह से तबाह हो गया है, ट्रेवल सेक्टर पूरी तबाह हो गया है। तो ये तो एक तरह से आपने जो शुरुआत में कहा था ये गड्ढे में जा रहा है, तो वो गड्ढे में ही जा रहा है। मतलब कहीं से कहीं तक मुझे इसमें ये नहीं लग रहा है कि सरकार इसमें कुछ बचाने के लिए कर रही है। आप देखिए, इन्होंने 20 लाख करोड़ सरी की जो एक रकम देने की बात की और उसको करे हुए महीना भर हो गया और वो कहाँ गई। 20 लाख करोड़ मतलब 20 लाख करोड़ कोई छोटी मोटी रकम नहीं है, लेकिन अगर आप उसका पूरा वो एक एक उसके पॉइंट निकालते जाएंगे तो पता चलेगा कि वो तो कहीं भी नहीं गई है, किसी भी एक आदमी को नहीं मिली। बिल्कुल ब्लफ था वो, बिल्कुल ब्लफ है। तो वो एक्ट ऑफ फ्रॉड है ना, मैं वही आप शुरुआत में जो मैंने कहा कि एक्ट ऑफ फ्रॉड है, वो एक्ट ऑफ फ्रॉड से आप एक्ट ऑफ गॉड को वो करना चाह रहे हैं, रिप्लेस करना चाह रहे हैं। तो यही तो चीजें हैं समझने की कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं और क्या होने वाला है। तो मेरे लिए तो मैं समझता हूँ कि अभी इस वक्त बहुत बड़ा मुश्किल दौर है, बहुत ही मुश्किल दौर। बहुत बढ़िया लगा अग्निश जी आपसे बात करके, क्योंकि आपके लेख पढ़ के जो जानकारियां मिलती हैं, बात करके भी बिल्कुल वैसा ही महसूस हुआ। वैसे आपसे बातचीत करके हमें हमारे इस वीडियो के लिए हेडिंग भी बहुत अच्छी मिली कि जीडीपी 23.9 जो है ये एक्ट ऑफ फ्रॉड का नतीजा है। अच्छी हमें हेडिंग भी मिल गई आपसे बात करके। बहुत बहुत शुक्रिया tribunehindi.com के दर्शकों से बात करने के लिए। फिर मिलेंगे गिरीश जी हम किसी एक अन्य विषय पर, मुझे लगता है कि आर्थिक मसलों पर ही हम कभी बात करेंगे भविष्य में। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे गिरीश मालवी हमारे साथ, जो कि अर्थव्यवस्था पर बात कर रहे थे, जीडीपी के आंकड़े जो आए हैं प्रथम तिमाही के, 2020 के प्रथम तिमाही के, उस पर बात कर रहे थे। दोस्तों, अगर आपको आज की यह चर्चा पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर ये यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हैं तो जो हम कहते हैं कि बहुत ही जरूरी काम यूट्यूब का, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया जरूर दें और बताएं कि ये चर्चा कैसी लगी, किन किन बातों से आप सहमत हैं और किसी से असहमत नहीं भी हैं उसे भी जरूर बताएं। तो फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।